जी सिंह वेलकम बैक। जफर आहिर साहब इस आदे नाल इन पर कोई तुसा सवाल जवाब करो। जमशेद साहब ने तो मैं कर के देन तुसा कोई जरा अपनी कोई कतवारे को कोई दूसरा सवाल हो सन। ठीक से आहिर साहब नाल ही सादे सिंह जी सर मैं तो नाल है नाल। बड़ी मेहरबानी सिंह आहिर साहब ये दसे सो कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जड़ा खिताब कीते त्राए शहर हैं जड़े MQM दे कट की थाए हैं मुल्तान दे अंदर रावलपिंडी दे अंदर लाहौर दे अंदर एक तो यह दसेसो कि इन्ह त्राए शहर को ही क्यों मुंतखिब किया गया दूजा ये दसेसो कि उन्होंने डायरैक्ट जरा जागीरदार है पिया खास तौर पर सारे इलाके का उकू बड़ा थ्रैट किया है मतलब उकू कोई दरखास्त नहीं भेजी कि मेहरबानी करो अस आए पे हैं तो सागो कोई रस्ता दिवा है जहा दिवा है तो असं इतना सियासत करनी बल्कि थ्रैट किया है उन्होंने कि जनाब अगर तुसा न किया तो वल शिकारी कुत्ते भी तुहाडे उत्ते छोड़े बन सकते हैं। एक किवें मामला देते बैठे हुए मुल्तान के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब की जी स्टेटमेंट आई है MQM बड़ी प्लानिंग नाल जरूरी पंजाब आई है ये कहने की भाई उन्होंने फौजी आकर जलसा ऐलान कर दिया है। उन्होंने पहले देखो पंजाब उन्होंने एक राबता कमेटी है जी बड़े अहम फैसले कर देंगे उन्होंने एक मैंबर जोड़ा है पंजाब मौजूद है इफ्तिखार रंधावा नाम का और बड़े अरसे तो इतने लोगों को ऑर्गेनाइज करने पे हैं और जिस टाइम उन्होंने को ये महसूस थी कि हूँ जोड़ा है वो बड़ा मौका आ गया मुनासिब वक्त है जनूबी पंजाब रश करने का और उसे काम करने का तो उन्होंने लोगों ने बकायदा प्लान इतने आ गए जलसे किए लाहौर के पिंडी को तो उन्होंने वैसे शामिल किया है कि कोई ये ना कहे कि बिशे जनूबी पंजाब को फोकस करने पैन बल्कि पूरे पंजाब को करने पैन लेकिन जहां तक मैं असैस कर रहा तो जो उन्होंने एक्टिव टीम आई उस सारी सारी जनूबी पंजाब मौजूद आई और जनूबी पंजाब जो बहुत ज्यादा वर्क किया है और जो जनूबी पंजाब जो जलसा थे एक रास्ता साहब सियासी जबान ने तुम को 40-50 का जलसा आ सकते हो 40-50 तो क्या मतलब थोड़ा जा दस सियासी जलसे जो लोग देखो एक बड़ी गैदरिंग जो आ सकते हो सर को साथ 40-50 हजार जमाए जी को इतना बड़ी इतना बड़ा क्राउड है फील जिंदा भले फिगर ये तो घट बात हो सन लेकिन एक बड़ा जलसा है जिसको मैं खुद अपने अखा आवा के दिखा है और पहले इन्होंने प्लानिंग कही इंतजाम है कि इन्होंने जलसा कर आर्ट्स काउंसिल में आर्ट काउंसिल मैक्सिमम 700-800 बंदा आ रहे हैं लेकिन उन्होंने सारे अंदाजे गलत किए हैं और कलमा चौक तक सारे पूरे पूरे जितने भी एरिया आते हैं सारे लोगों ने भरे हुए हैं और खवातीन सब लोग मेरे के मर्द सब मौजूद हैं। अच्छा हूं क्वेश्चन दे दी थी कि लोग इतने क्यों आ गए ना सर गल है कि हूं जनूबी पंजाब सियासत सिर्फ वह करे थी जो सरैकी वसीब की गाल करे थी जोड़ा सरैकी वसीब की गाल न करे थी उसे बिल्कुल पिट वे थी देख लो मुहम्मद अली दुरानी साहब हैं जनूबी पंजाब भावलपुर सुबह 12 तारीख का ऐलान किया है तो उन्होंने इख्तलाफ इतफाक एक अलग चीज है लेकिन उन्होंने आगू तरीके जान पा दी है और 4-5 दिन पहले जरा उन्होंने उसे एक रैली कड़ी शोधा है भावलपुर की जात उन हजारों लोग हत्या की खवातीन की बड़ी तादाद आई इट मीनस के लोग जोड़े हैं इस टाइम उन्होंने आवाजों का साथ देने पैन जी आवाजा सरैकी वसीब की गल करते पे और सरैकी वसीब के मसैल की गल करने पे जहां तक रह गया अल्ताफ हुसैन के थ्रेड करना तालुक उन्होंने जरूर पंजाब लोगों को दरखास्त नहीं की बल्कि थ्रेड किया है सारी पंचायतां रस्मां लोगों के झूठे मुकदमे लोगों को भाव पानी करावना लोगों को कुत्ते छोड़ देने कुत्ते छोड़ने खुद मैसेज छापी आई जिनके हद तक जुलम लोगों से तकरे और लोग इतने बोलने को बिल्कुल तैयार कहना और जो बुरेंदा उन्ना थाना कचहरी इतने जुलम थे लेवल कि इन्हें को पता नहीं चला कि बंदा कितने गया इतने खुद इन्होंने डाकू पाले को बोसा कहीं तना दे कुछ चिताने कहीं तना दे और तो देख रहे हो अज तक उन्हें कहीं भी देख जगीरदार को अगवा नहीं किया बल्कि आबादकारा को या छोटे मोटे ताजर को अगवा करेंगे रह गए यानी कि लोग यही टाइम जगीरदार जिंद लगारी मजारी त्रेशक मखदूम सारे लोग शामिल हैं इन्होंने को इतने तंग हैं कि जेड़ा बंदा भी इन्हों के खिलाफ गाल करे और इन्होंने थ्रेड करे लोग उन्होंने साथ रहे सन अल्ताफ हुसैन साहब ने बड़ी स्टडी तो बाद जड़ा है ये जगीरदार को ललकार है जगीरदार कुत्ते छोड़ दे नंबर 1 चलो भी ठीक है पॉलिटिकल स्लोगन है फाइन दूजी तरफ असा पिछले अगर 10 साल मैं ज्यादा पिछा नहीं मैं